जिम एंड रनिंग व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका कमल। टुडे यू आर गोइंग टू टॉक अबाउट जिम वर्सेस रनिंग, व्हाट इज द बेस्ट एंड फिटनेस। एक्साइटमेंट मतलब क्या, कहां बैठे? जिम एंड रनिंग व्हाट इज द बेस्ट। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपका कमल। अरे कहना क्या चाहते हो? जिम एंड रनिंग व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम कमल। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट टू मोस्ट डिफिकल्ट जिम वर्सेस रनिंग व्हाट इज द बेस्ट फॉर यू। फर्स्ट सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। लेट्स स्टार्ट इट। लेट्स गो। पहले बात कर लेते हैं जिम के बारे में। जिम में क्या क्या फायदा मिलता है हमको? देखो, जिम में बहुत सारे फायदे मिलता है आपको। जैसे कि जिम में आपको मेंबरशिप लेना पड़ता है, बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट मिलता है आपको एक्सरसाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट है कि बहुत बड़ा एरिया मिलता है, एनवायरनमेंट मिलता है जिसमें आपको एक्सरसाइज करने से और आप लोगों से बात करने से, और आपको ट्रेनर भी मिलता है। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है जिम। ओके, और क्या क्या बेनिफिट मिलता है? जैसे कि आप वेट ट्रेनिंग कर सकते हैं जिम में, ज़्यादा हैवी वेट ले सकते हैं। अगर मसल्स स्ट्रेंथ करना है, मसल्स ग्रोथ करना है, ये भी कर सकते हैं जिम में। ओके, और जिम का जो एनवायरनमेंट रहता है वो मोटिवेट रहता है, मोटिवेट करता है जिम आपको हमेशा के लिए। और जिम में हमेशा आपने देखा होगा, जो भी जिम करता है वो कॉन्फिडेंस रहता है अपने बातों से, और कॉन्फिडेंस, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील होता है। क्यों, क्या होता है पता है? जिम ऐसा फील्ड है कि आपको बहुत ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलता है खुद को देखने से। क्योंकि अगर आप जिम करते हो रेगुलरली और जिम को फॉलो करते हो, डाइट वगैरह जो भी एक्सरसाइज हो, तो आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, जिम में बहुत सारे एक्सरसाइज है, जुम्बा हो गया, रनिंग हो गया, कार्डियो हो गया, वेट लिफ्टिंग हो गया, वेट गेन कर सकते हो। बहुत सारे एक्सरसाइज है जिम में, बहुत सारे बेनिफिट है। ओके, अब बात करते हैं कि रनिंग के बारे में, रनिंग में क्या क्या फ़ायदा मिलता है। देखो, रनिंग ऐसा है कि आपको आउटडोर में रनिंग करना पड़ता है, आपको बाहर आके रनिंग करना पड़ता है, ग्राउंड में करना पड़ता है, नहीं तो आपको किधर भी रोड में करना पड़ता है। आउटडोर रनिंग उसको बोलते हैं। आउटडोर रनिंग में क्या क्या फ़ायदा मिलता है? अगर आप रनिंग जानते हो, कैसे रनिंग करना है, स्टार्टिंग कैसे करना है, एक्सरसाइज कैसे करना है, वार्म अप कैसे करना है, ये आपको पता है, तो आपको कोई ट्रेनर का, कोच का, कोई इक्विपमेंट का, किसी चीज़ का ज़रूरत नहीं पड़ता है। आप घर पर भी रनिंग कर सकते हो, सॉरी घर पर नहीं, मतलब आप आउटडोर में भी किधर रनिंग कर सकते हो, राइट। और इसमें आपको फ़ायदा क्या मिलता है? आप फ्रेश एयर में कर सकते हो, आप नेचुरल फील कर सकते हो, मतलब नेचुरल नेचर के साथ आप रनिंग कर सकते हो, ये आपको अच्छा फ़ायदा मिलता है। और दूसरा है कि रनिंग में क्या क्या बेनिफिट मिलता है? रनिंग में आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है, स्पीड आपका घटता है, और आपका जो हेल्थ में आपका क्या, और आपका कैलोरी बर्न होता है बहुत जल्द। ठीक है, और ये हो गया रनिंग में क्या क्या फ़ायदा होता है। आपका स्ट्रेंथ बढ़ता है, एंड्योरेंस बढ़ता है, और आपका कैलोरी बर्न होता है, राइट। और आपका अगर मोटापा है तो जल्दी आप मोटापा कम कर सकते हैं रनिंग करके और एक्सरसाइज करके, राइट। ये आउटडोर में आप कर सकते हो, ठीक है। और आपको कोई मेंबरशिप लेना नहीं है, कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है जैसे आप जिम में करते हो। ये बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जो मसल्स गेन करना नहीं चाहते, हेल्दी फिट रहना चाहते, एक्सरसाइज डेली करना चाहते, उसके लिए ये थोड़ा बहुत सही है, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या हमारे लिए रनिंग बेस्ट रहेगा या जिम बेस्ट रहेगा। ये सबको कंफ्यूजन रहता है कि पहले तो जब मेंबरशिप ले लेते कुछ टाइम के बाद हमने जिम छोड़ देते हैं, वो ऐसे होता है। देखो, मैं अभी जिम के बारे में बताना चाहूँगा। जिम में देखो बहुत ज़्यादा अभी मेंबरशिप लेते हैं। अभी स्टार्टिंग जो प्राइस है ईयरली मैं बता सकता हूँ, 10,000 से 15,000 से स्टार्ट है जिम में। अगर अच्छा जिम में जाओगे तो 10 से 15,000 से स्टार्ट है। अगर आप रनिंग करोगे तो रनिंग में कोई चार्जेस पे नहीं करना है, बस आपको डेली उठना है टाइम से, और अपना टाइम में वर्कआउट करना है, रनिंग करना है, बस कोई भी चार्जेस पे नहीं करना है। आप खुद को फील कर सकते हो कि उसके जो आप मेंबरशिप में पैसे पे करोगे उसी पैसे में आप अपना डाइट पूरा कर सकते हो, ये भी हो सकता है। लेकिन जिम में फ़ायदा क्या है?
जिम में मैंने आपको फायदा पहले ही बताया, और बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट मिलता है, और आपको एक एक बोन को एक एक मसल्स को आप ट्रेन कर सकते हो। जैसे कि मुझे शोल्डर बनाना है, बाइसेप बनाना है, ट्राइसेप बनाना है, कुछ भी बनाना है आप जिम में बना सकते हो, क्योंकि आप रनिंग में तो आप आउटडोर में तो नहीं बना सकते ना, क्योंकि आउटडोर में आपको कोई भी इक्विपमेंट नहीं लगता है। जिम में आपको बहुत सारे इक्विपमेंट मिलता है जो आपको आगे पुश करता है, और आपको एनकरेजमेंट मिलता है कि आप कर सकते हो। और इसी चीज़ को जिम में मेंबरशिप बहुत ज़्यादा रहता है, और आपको चूज करना है कि आपके लिए कौन सा बेस्ट है। मैं तो सजेस्ट नहीं कर सकता कि आपके लिए क्या बेस्ट है, आपका नीच क्या है। पहले आप डिसाइड करो नीच क्या है, आप क्या बनना चाहते हो लाइफ में। जैसे कि मुझे एक मसल मास वाला एक इंसान बनना है, एक बॉडी बिल्डर जैसा दिखना जैसा बनना है, या मुझे हेल्दी रहना है, मुझे कुछ भी, आपका नीच जो है वो डिसाइड करो। देखो बहुत सारे के लोगों के पास ऐसा सोचते हैं कि इतना हम पैसा अफोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबरशिप लेना पड़ता है, और उससे लेने के बाद भी हम लोग जिम टाइम पे भी नहीं जा पाते। अगर आप न्यू ज्वाइनिंग करते हो जिम में, तो आपको ज़्यादा करके जिम में जो एनवायरनमेंट है आपको पहले सीखना पड़ता है, कैसे एक्सरसाइज करना है और क्या मतलब क्या मारना है, अभी आज लेग मारना है कि शोल्डर मारना है, ये पहले आपको जानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप पहले स्टार्टिंग से ही सब कुछ करने लगोगे, पहले आपको ट्रेनर से सहायता लेना पड़ेगा, ट्रेनर से सीखना पड़ेगा, या आपको कोई भी वीडियोस देख के सीखना पड़ेगा, तब भी आप जिम में कुछ कर सकते हो। सो गाइज, आप डिसाइड करो आपके लिए सबसे बेस्ट क्या है, जिम बेस्ट है या रनिंग बेस्ट है, क्योंकि आपको खुद को करना है, ना ही आपके लिए कोई आएगा। ठीक है, मैं सजेस्ट करूंगा जिम करो जहाँ पे आपको लो बजट और लो मेंबरशिप आपको मिलता है, क्योंकि जिम में क्या होता है, आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, और आप हमेशा मोटिवेट फील करते हो अपने काम को लेके, हमेशा आप एनर्जेटिक फील करते हो, राइट। तो हमेशा चूज करो अपने लिए क्या बेस्ट है और आपका नीच क्या है, राइट। रनिंग में बहुत सारा बेनिफिट है जो आउटडोर में करने को मिलता है, राइट। तो जिम बेस्ट है आपको, अगर आपको लाइफ में कुछ मसल्स, अगर आप टीनेजर हो और मैं भी पकड़ लो 20 से 25 साल है आपका उम्र, तो आप जिम ज्वाइनिंग कर सकते हो। मैं आपको सजेस्ट करता हूँ जिम इसीलिए कर सकते हो क्योंकि आपको थोड़ा मस्कुलर दिखना जरूरी है आज के टाइम में, थोड़ा मस्कुलर सही है, मतलब इतना नहीं कि आपको नहीं दिखना है, मस्कुलर दिखना जरूरी है, थोड़ा बहुत तो आपको दिखना चाहिए, लोगों को लगना चाहिए कि हाँ थोड़ा बहुत है, क्योंकि जिम में आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, बहुत ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, मोटिवेट फील करते हो, कोई भी काम करते हो तो आप अच्छा फील होने लगता है, राइट। तो टुडे मुझे लगता है कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूले, और मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं इंस्टाग्राम में, अगर आपको कुछ क्वेरी है तो मुझे पूछ सकते हैं, राइट। तो उम्मीद करूँगा कि आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं इस टाइप का वीडियो देखने के लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।